हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एकदम मस्त, ठीक है। आज हिंदी व्याकरण में, कल मैंने आपको अव्यय शुरू किया है। अव्यय से संबंधित मैंने पहला भाग उसका पढ़ा दिया है, ठीक है। यानी जो क्रिया विशेषण से संबंधित है, सारी जानकारियों को मैंने स्पष्ट रूप से आपको पढ़ा दिया है। भैया SSSC उसे पूछा है, या जो लोग उत्तर प्रदेश अभी आपका पुलिस का जेल वार्डर की वैकेंसी है या फायरमैन की है, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जितने हिंदी की क्लासेज मैंने पढ़ा दी है, इनसे बाहर कहीं भी हिंदी नहीं जाने वाली। इसीलिए बहुत ढंग से पढ़ो। आज हिंदी में लगभग 18वीं ये मेरी क्लास है, ठीक है। व्याकरण क्या होता है, मैंने व्याकरण के पूरे पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ढंग से पढ़ लोगे भैया, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अदर आपको क्रैश कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। इसकी नोट्स के लिए हम लोग 10+ कोर्स है, जिसमें लेखपाल भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश SI हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, जो अपकमिंग है, इन सारे के लिए ये पूरी विधिवत मैं सीरीज चला रहा हूं। इसमें शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाता हूं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना बचे, और जो आपकी भर्तियों में आज तक आया है वह आपसे पूछे। 10+ कोर्स इसीलिए टीम लेकर आई कि ऐसे अभ्यर्थी जो UP SSSC, उत्तर प्रदेश SI या इन सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम जितनी क्लासेस चलाते हैं उनकी हर एक क्लासेस की वीडियोस तो फ्री रखते हैं, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए और साथ ही साथ नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भैया आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि एक नाम मात्र का शुल्क है, 499 रुपए, यानी 150 रुपीज मंथली। कौन सी बड़ी चीजें हैं, इसको आप ले सकते हो। जितनी हम 4 से 5 क्लासेस देते हैं, सभी के नोट्स देते हैं, एक ढंग का नोट्स होता है, बहुत अच्छी जो है क्वालिटी का नोट्स होता है, जिससे कि आपकी तैयारी में एक और आपका कहीं ना कहीं प्रयास सफल बनाने की दिशा में हो। टीम इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास करती है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको यूट्यूब चैनल पर परीक्षा प्लस पर भी पूरी प्लेलिस्ट 10+ कोर्स के नाम से लगी है, तो जो लोग अभी देने जा रहे जेल वार्डर की वैकेंसी फायरमैन वाली, वो लोग 10+ कोर्स ओपन कर लें। आपको प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां परीक्षा प्लस ऐप आप सर्च करेंगे, परीक्षा प्लस ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर भी आपको इसका जेल वार्डर की अलग से एक जो है पूरा लगा मिलेगा कोर्स, उस पर क्लिक करेंगे तो 499 पेमेंट आता, लेकिन वो PDF वालों के लिए, बाकी क्लासेस पूरी ओपन हो जाएंगी वीडियो। तो जितने भी लोग जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या UP SSSC में, इस सप्ताह में उम्मीद है कि भैया एक विज्ञापन कोई मिल जाए, ठीक। अगर आयोग ऐसा कर ले जा रहा है, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितनी टीम पढ़ा रही है, उसको आप पढ़ते रहो, चाहे मैथ्स के लेक्चर है, रीजनिंग है, GS तो हम लोग UPBCS प्रीलिम्स तक का कवर कर रहे हैं, आपको प्री में बैठना है, पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम उस अनुसार मेहनत करते हैं, उतना हम आपको चीजें पढ़ाते हैं, तो वो प्री में बैठना है, तो GS वहां से पढ़ो, जो शाम 6 बजे क्लास होती है। इतिहास उसमें लगभग 19-20 मतलब पॉलिटी की मैंने 19 से 20 क्लासेस पढ़ा रखी है। आशीष सर आपको पढ़ा ही रहे हैं पूरा जो है इस समय मेडवल, तो ढंग से पढ़िए, ठीक है। बाकी टीम भैया, हम जितना अपना बेस्ट होता है उतना बेस्ट देते हैं, सब कुछ निःशुल्क देते हैं, आपको ये भी नहीं सोचना है कि सर जी पैसा ले रहे हो, सारी वीडियोज फ्री है, आप नोट्स बना सकते हो, अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। तो मस्त होकर पढ़ो, कोई समस्या आ रही, किसी क्रैश कोर्स को लेना है, अभी हमने EPFO लॉन्च किया है, जिनको मटेरियल वगैरह मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है, सामान्य ग्रेजुएट है, आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा, आप हमारा क्रैश कोर्स खरीदिए, पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आपके हित मित्र जो परेशान है EPFO के लोग, उनको बताइए कि आप मटेरियल वहां से खरीद लो, टेस्ट सीरीज खरीद लो, ठीक है। आप UP PCS में बैठने जा रहे हो, आपको किताबों के बारे में नहीं मालूम है, नोट्स नहीं अच्छे हैं, आप हमारा क्रैश कोर्स खरीद लो, सब कुछ आपको दे देंगे, इतना विधिवत नोट्स दे देंगे कि उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की नोट्स दे देंगे। तो उन सभी के लिए आप लोग प्रयास करिए, आपके साथ में जो लोग होते हैं उनको बताइए कि परीक्षा प्लस टीम के पास वो सारी चीजें, भैया हमारी कोचिंग चलती है ऑफलाइन, ठीक है, सिविल की, इसलिए हमारे पास मटेरियल नंबर 1 क्वालिटी मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोई भी समस्या है, दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, 9450006007, या इन दोनों नंबर में से किसी पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, आज हमें अव्यय में मैं आपको जो अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं शुरू कर रहा हूं समुच्चय बोधक से, ठीक है। संबंध बोधक पहले बताना चाहिए था, लेकिन मेरे अनुसार समुच्चय बोधक पहले आप समझ लें। समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है, आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, यथा नामे जथा गुणे की परिभाषा को परिभाषित करता हुआ यह शब्द समुच्चय मतलब
जो किसी को आपस में क्या कराए, जोड़े, दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के बीच में जो जोड़ने का कार्य करता है वह क्या होता है, समुच्चय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और अव्यय में कभी भी आप जानते हैं कि लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जहां भी जोड़ने के आपके शब्द मिलेंगे, मतलब जिन दो शब्दों को ये जोड़ेंगे तो उनमें ना तो वचन का में कोई परिवर्तन कर दो तो इन शब्दों में ना तो कोई परिवर्तन होगा, कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इनको अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो आज समुच्चय बोधक पर बहुत ढंग से बात होगी, क्योंकि इसमें ठीक है अभी ट्रिपल एससी ने ही समुच्चय बोधक एक प्रकार से मतलब एक वाक्य दिया था, उस वाक्य से सवाल पूछा था ये किस जो है उसका अव्यय का उदाहरण है। तो जब प्रकार में घुस जाएगा तो वही कठिन बन जाता है प्रश्न, इसीलिए मैं थोड़ा सा इन सारे मुद्दों को बड़े व्यापक तौर पर आपसे परिचर्चा करता हूं। ठीक है, मेहनत करता हूं कि आपको मैं बेस्ट क्वालिटी दूं, आप यहां पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये भ्रम ना रहे कि अब कोई और यूट्यूब पर लेक्चर होता उसको भी सर्च कर लें। ठीक भैया, मैं जितना बताता हूं ईमानदारी से मेहनत होती है, और वही चीज एक अपनी मतलब जो मेरा अंदर से अंतर्मन होता है कि मैं आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी दे दूं, आप यहां के बाद कहीं भटको ना। ठीक है, जीवन में सफल हो जाओ, सफल हो जाओगे तो दो चार बातें सही सही बोलोगे हमारे बारे में भी। ठीक, और बाकी जितनी मेहनत टीम करती है हर एक लेक्चर पर कुछ अच्छा करके जाओ, आपके अच्छे कमेंट ही मुस्कुरा दे, अंदर से मन मुस्कुरा जाता है और फिर हम बेहतर मेहनत के साथ आपके सामने उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक में मैंने बताया कि जहां दो या दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना हो, ऐसे शब्द मिल जाए वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कैसे कैसे, अब इन्हीं चीजों को समझिए पूरा व्यापक तौर पर। इसमें अगर दूसरे रूप में परिभाषा अगर मैं आपके सामने रखूं, ठीक, कि आप इसको दूसरे रूप में परिभाषित कैसे करोगे, तो वहां ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों, इनको भी ध्यान रखिएगा, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते वह शब्द समुच्चय बोधक कहलाते। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहते हैं। योजक का अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ने वाला, योजक का अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ने वाला। तो शब्दों को जोड़ने का चूंकि यह कार्य करता है इसलिए क्या होगा, यह योजक कहलाएगा। समझ गए, योजक चिन्ह आगे मैं पढ़ाऊंगा विराम चिन्हों में। जैसे इसमें देखिए उदाहरण इनके देख ले, पहला उदाहरण लिखा है और, राम और श्याम, सीता और गीता, दो शब्दों को कनेक्ट कर रहा। ठीक, वा, ठीक, यौम, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, ये जितने भी शब्द यहां पर लिखे मिल रहे, ये समस्त शब्दों का प्रयोग हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, दो से दो में करते हैं, दो से अधिक शब्दों में भी करते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जिनसे क्या होता है किसी वाक्य में इनका व्यापक तौर पर भी प्रयोग देखने को मिल जाता है। जैसे आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ, और सफल हुआ, आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। अब यहां यह दूसरा वाक्यांश था और यह दूसरा वाक्यांश था, दोनों को जोड़ने का जो कार्य किया वह और शब्द कर रहा, यानी यह समुच्चय बोधक है या योजक आपका शब्द है। समझ गए। दूसरा उदाहरण देखो, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। अब यहां लेकिन शब्द जो आया ये दोनों वाक्यांशों को आपस में कनेक्ट करा दिया, जोड़ दिया। समझ गए, बहुत बढ़िया। वेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही। अब यहां परंतु जो शब्द आया इससे दो विभिन्न वाक्यांशों को हमने आपस में कनेक्ट करवा दिया। समझ गए, अब दोनों में जब कनेक्शन हुआ तो एक अर्थपूर्ण पूरा का पूरा वाक्य अपने आप में सार्थक अर्थों को दे गया। यहां पर अगर देखा जाता बेशक उसने पैसा कमाया, अब ये क्या आगे पता चलता कि कुछ चीजें बाकी रह गई, तो दूसरे जो वाक्यांश में बातों को कहा गया उन बातों को आपस में जोड़ दिया गया परंतु जो है योजक शब्द से। आगे ऐसे और भी उदाहरण हैं, तुम सभी वहां जा सकते हो किंतु मैं नहीं। अब यहां किंतु जो शब्द लगा ये योजक का कार्य करने लगा, एक पुल का कार्य करने लगा दोनों को जोड़ने। अब यहां पर जितने तरीके के शब्द लिखे हैं, जैसे यहां लेकिन प्रथम ना आ सकी, बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस, ठीक, इन वाक्यांश में आप देखो यह लग रहा है क्या कि यह इसी से कनेक्टेड रहा। ठीक है, तो इसी से कनेक्टेड, लेकिन आपको वाक्यांशों में अंतिम जो वाक्यांश इनके लगे हैं लिखे हैं इन सभी में कुछ ना कुछ अलग है। ठीक, इनके अर्थों में पहले से दूसरे को कनेक्ट कराओगे तो इनमें विभेद आएगा,
इन्हीं विभेदों के आधार पर इसके विभेद बन जाते हैं, इनके भेद बन जाते हैं। आगे चलिए, अब हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है इसके भेद कौन से होते हैं। भैया इसके भेद मुख्यतः केवल दो है, ध्यान देना कौन कौन से। पहला बनता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा बनता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इस व्यधिकरण से सवाल पूछ चुका है SSSC, इस व्यधिकरण से सवाल पूछ चुका है, इसलिए दोनों को आपको जानना बड़ा उपयोगी हो जाता है, समझे। अब यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद बनते हैं, इन्हीं को अब हम व्यापक तौर पर समझ लेते हैं, क्योंकि इन भेदों के विभेद भी बनते हैं, उपभेद भी बनते हैं, ठीक है। एक एक उठा रहे हैं हम। समानाधिकरण, अब यहां पर अगर इसके आप इनको तोड़ दो तो लिखा क्या है, समान अधिकरण लिखा हुआ है, समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यही तो लिखा है समान अधिकरण। इसको दोनों को आपस में एक साथ लिखा गया तो इसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय बोला गया। अब यथा नामे जथा गुणे को यह भी सुशोभित करेगा, कैसे, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते। यहां क्या लिखा है, समान वाक्य या वाक्यांश, समान नहीं समान, समान वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समान अधिकरण या समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते। यहां पर क्या होगा, समान वाक्य या समान वाक्यांशों को जोड़ा जाएगा, दो भिन्न भिन्न को नहीं। जैसे और हो गया, तथा हो गया, तो हो गया, आदि हो गया, मतलब तो उसके बाद आदि, ये जो तीन शब्द आपको मिल रहे हैं और तथा तो, ये जो शब्द हैं ये शब्द आपके समान अधिकरण मतलब समान वाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उदाहरण को समझो, राम और लक्ष्मण में अथा स्नेह था। अब यहां और जो शब्द आया ये एक ही वाक्य या वाक्यांश को तो जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, समान अधिकरण है। दूसरा है, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा, ठीक, तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, गाना याद है ना। तो यहां पर वही चीजें हैं, तो जो शब्द यहां आया है ये क्या है, समान अधिकरण, उसी बात को परिपूर्ण कर रहा, उसी वाक्यांश को परिपूर्ण करने में सहायक हो रहा, इसलिए ये किसका उदाहरण बन गया, ये समान अधिकरण का उदाहरण है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला देखो, यहां पर आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण है। अब यहां जो तथा शब्द आया ये एक ही वाक्यांश को तो पूरा करने में है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये जितने उदाहरण है इनमें जितने भी आपके शब्द अलग अलग प्रयुक्त होते हैं योजक के तौर पर, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण बनते हैं, बहुत बढ़िया। अब इनके प्रकार समझ लो, विभेद समझ लो कि जो समान अधिकरण समुच्चय बोधक है इसके उपभेद कितने बनते हैं। देखो भैया, इसके उपभेद में किताबों में 4, 5 और 6 मिलते हैं। अब जिनकी जो समझ होती है वो संसार से लिखा होता है, लेकिन जो इसके मुख्य भेद होते हैं उनको हम 6 मानकर पढ़ेंगे। 6 क्यों होता है, कुछ लोग ओवर लैप करा देते हैं, एक आध को आपस में मिक्स कर देते हैं, कहते हैं उनके अनुसार कि ये चीजें एक ही है, लेकिन यहां पर हम 6 भेद मानकर पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। इसके 6 भेद कौन कौन से होते हैं इन्हीं को समझना है, ठीक। सबसे पहले भेद के बारे में जान लो, इनके 6 भेद बनाए गए तो 6 भेदों में वाक्यांशों के अर्थ पर ही बनेंगे, कहीं अलग से नहीं बनने का है वाक्यांश। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि आविष्कार ही क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, जब हमें यहां आवश्यकता पड़ेगी तभी तो इनमें विभाजन बनता चला जाएगा। जैसे समझो, पहला होता है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, संयोजक दो को आपस में जोड़ने का कार्य करे। दूसरा होता है विभाजक, दो को विभाजित कर दे, अलगाव करे दोनों, विकल्प सूचक। तीसरा होता है, चौथा विरोध दर्शक होता है, पांचवा परिणाम दर्शक परिमाण दर्शक होता है, छठा वियोजक होता है। अब वियोजक के अर्थ को कई लोग जो है विभाजक के साथ जोड़ देते हैं और उनके अनुसार तब आपका 4 बन जाता है, जबकि वियोजक और विभाजक में अंतर है, वियोजक के अर्थ में और विभाजक के अर्थ में अंतर होता है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि वियोजक क्या है, विभाजक, विभाजक में सीधी सीधी बात होती है कि भैया अलगाव की स्थिति को दर्शा दे, वियोजक में अलगाव और मिलन दोनों को दर्शाता है, यही चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक को समझते हैं। तो इनके 6 भेद होते हैं, समझ गए ना, संयोजक होता है, विभाजक होता है, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक और वियोजक। अब जैसे अर्थ आएंगे, जैसे वाक्यांशों को हम जोड़ेंगे उसी अनुसार इनमें क्या होता है, ये विभेद बनते हैं। अब एक एक विभेद को हम उठाते हैं और उनको फुल डिटेल के साथ पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, तो एकदम ध्यान बनाए रखिएगा,
ठीक, मेरी बातों को अपने खुले कर्ण पल्लुओं से सुनते जाइए, अपने आप बना मस्तिष्क समय मेरी सारी बातें इतनी आसान भाषा में है कि आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। ठीक है, देखो पहला जो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है, इसमें क्या होता है, संयोजक आखिर क्या है? देखो भैया, अभी हमने योजक बताया, तो योजक में यहां सम जुड़ा हुआ है, लिखा तो वही है, सम आगे जुड़ गया एक और संयोजक यह बन गया, समधनी योजक बना है। यहां पर समझो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह शब्द संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने लगे जो शब्द, वहां पर समझ जाना है कि ये क्या है, संयोजक का कार्य कर रहे, दो को आपस में मिला रहे। जैसे इसमें जो उदाहरण आते हैं, भी शब्द आता है, वा और तथा योम, इतने शब्द आपको मिल रहे तो वहां समझ जाना है कि ये संयोजक का उदाहरण है, दो को जोड़ रहा है। उदाहरण को आप देखिए और क्लियर हो जाएगा, जैसे राम और मोहन भाई हैं, अब यहां और जो शब्द आ रहा है यह राम और मोहन को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट करा रहा, संयोज करा रहा है, दोनों का संयोजक यहां पर होगा। अगला है आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण है, बड़े एवं छोटे सभी को प्यार करना चाहिए, तुम वहां जाना और उस व्यक्ति से बात करना। ठीक है, तो यहां पर जितने शब्द आपको मिल रहे, और मिल रहा, तथा मिल रहा, योम मिल रहा, ये सभी क्या हैं, ये संयोजक के उदाहरण हैं। समझ गए, इसीलिए मैं वाक्यांशों में जरूर आपको प्रयोग करके बता देता हूं कि वाक्यांश से, चूंकि आपको परीक्षा में वाक्यांश मिल रहे हैं जिससे कि आपकी हर एक चीजें वहां क्लियर रहे। देखो परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में बैठोगे, आप घर पर पढ़ रहे हो तो इस समय हो सकता है आप में आलसपन सवार हो और आपका दिमाग 40-50% ही काम कर रहा हो, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठोगे तो परीक्षा में दिमाग आपका 200% कार्य करने लगता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आप बचपन में कक्षा 4 में पढ़े हो वो भी आपको ध्यान आने लगता है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरी बातों को आप सुनते जाओगे, वहां पर सब कुछ आपका एकदम क्लियर होता रहेगा, एग्जाम में भी आपको दिखेगा कि गुरु जी ने ऐसा पढ़ाया था। समझ गए, अगला दूसरा इसका विभेद है, विभाजक क्या होता है। भैया विभाजक में मैंने बताया कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं, अलगाव प्रकट कर दिए, ये शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण बनते हैं। जैसे इसमें कैसे कैसे शब्द मिलेंगे, ताकि, या चाहे चाहे, क्या क्या, ना ना, ना की, ठीक, नहीं तो, परंतु, तो, या चाहे, अथवा, अन्यथा, वा, मगर, ये जैसे शब्द आपके पूरे मिल रहे, ये सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द आपके किसके उदाहरण है, ये सभी शब्द आपके जो है विभाजक समानाधिकरण के उदाहरण बनते हैं। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे उदाहरण को आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से, उदाहरण को जब आप समझेंगे इसमें कौन कौन से ये वाक्यांशों में उदाहरण लिखे हुए हैं उन चीजों को बहुत व्यापक ढंग से समझिए। ठीक, एक एक उदाहरण को देखते हैं, वाक्यांशों को आप लोग देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या है, अभी से परिश्रम करना शुरू करो ताकि आखिरी तक तैयार हो जाओ, अभी से परिश्रम करना शुरू करो ताकि आखिरी तक तैयार हो जाओ, यहां जो ताकि शब्द है, ठीक, ये जो ताकि शब्द आया, ये दो वाक्यांशों को तो मिला रहा लेकिन दोनों में विभाजन स्पष्ट हो रहा। कैसे, देखो अभी से परिश्रम करना शुरू करो, एक पूरा अर्थ दे गया अपने आप में, दूसरा अर्थ क्या बता रहा, आखिरी तक तैयार हो जाओ, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों में विभाजन दे रहा है कौन सा शब्द, ताकि शब्द। ठीक है, दूसरा यहां पर उदाहरण समझिए, उसने बहुत कोशिश की मगर समय से नहीं पहुंच सका, अब यहां जो मगर शब्द आया ये क्या है, मगर शब्द दोनों वाक्यांशों में विभाजन के तौर पर है, विभाजक के तौर पर है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। यह काम कर लो नहीं, यह काम कर लो, कर लो लिखा है, यह काम कर लो नहीं तो कल डांट पड़ेगी, अब इनमें भी दोनों में तो अलगाव है भैया, दोनों अलग अलग वाक्यांश है, विभाजन है, तो के द्वारा इसमें विभाजन हुआ। समझ गए, तो ये जितने भी हैं ये सभी विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ लेते हैं, विकल्प सूचक क्या होता है भैया, आपको जहां पर यथा नामे यथा गुणे, इसमें भी चीजें आती है,
यानी ऐसे अव्यय शब्द जिनसे हमें विकल्पों का बोध होता, वह शब्द विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते। कैसे? देखो इसमें कौन कौन से मिलेंगे। जैसे शब्द लिखा है या, अब या जहां भी मिलेगा राम या श्याम, विकल्प मिला तुम्हें ना, सीता अथवा गीता, ठीक। अन्यथा कि ये जो शब्द लिखे हैं, ये शब्द जहां प्रयुक्त हो जाए तो वहां समझ लेना कि इनमें कहीं ना कहीं क्या, इनमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे शब्द मिल रहे हैं जिनसे कि इनमें विकल्पों का हमारे सामने जो है कहीं ना कहीं एक चुनाव करने का मौका आ जाता, या विकल्प हमें पता चल जाते। तो इनको समझिए कैसे। जैसे पहला उदाहरण लिखा है, तुम या तो फल ले आओ या सब्जियां, मतलब एक काम कोई कर डालो, या तो फल ले आओ या सब्जियां ले आओ, यानी विकल्प हमारे सामने आया, सीधी सी बात है। दूसरा कह रहा है थोड़ा तेज चलो अन्यथा बस नहीं पकड़ पाओगे, अब इसमें भी विकल्प मिल गया। तीसरा कह रहा मैं मरूंगा अथवा वो ही मरेगा, ठीक, यहां खलनायक की भूमिका आ गई, या तो मैं मरूंगा या तो वो मरेगा, ठीक है। तो ऐसे जहां शब्द मिले जिनमें क्या हो, जिनमें विकल्प मिलने लगे, वो सब विकल्प सूचक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार में, चौथा इसका जो विभेद है, चौथा विभेद जो भैया है, ये विरोध सूचक शब्द जहां पर आपको मिलने लगे तो वह समान अधिकरण का विभेद, एक आपका उपभेद बन जाता है। इसको समझो, ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करें, दो विरोधी कथन याद रखना, वाक्य हो, दो विरोधी वाक्य हो या दो विरोधी उपवाक्य हो, इनको जोड़ने का कार्य करने लगे, वह विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएंगे। जैसे शब्द कैसे कैसे मिलेंगे जोड़ने में, पहला शब्द कहीं मान लो मिल गया, वरन मिल गया, पर मिल गया, परंतु मिल गया, किंतु मिल गया, मगर मिल गया, बल्कि मिल गया, लेकिन मिल गया, ये शब्द अगर मगर जानते ही हो। इनमें क्या होता है, जब आपको कोई काम नहीं करना होता है, आराम से खिसकना होता है, तब इनका प्रयोग करते। तो ये विरोध सूचक में आते हैं। कैसे? जैसे कशिश ने बहुत कोशिश की परंतु उसे बचा नहीं सकी, कशिश ने बहुत कोशिश की परंतु उसे बचा ना सकी, कोशिश कर रही थी बचाने की लेकिन बचा ना पाई, तो दोनों में विरोधाभास है कि नहीं, है विरोधाभास, समझ गए ना। ऐसे दूसरा समझो, सोहन ने तेजी दिखाई लेकिन प्रथम नहीं आ सका, तेजी तो दिखा रहा था कि हम पहले पर पहुंच जाएं, पहले स्थान पर, लेकिन बेचारा प्रथम नहीं आ सका, तो आपस में विरोधाभास है। जिसके लिए कार्य कर रहा हो वह कार्य ही ना परिपूर्ण हो तो विरोधाभास की तो स्थिति आएगी ही आएगी, समझ गए। अगला कह रहा, अच्छा हो या बुरा पर मुझे यह काम करना है, मतलब काम तो आपको करना है क्या, कोई भी काम हो, अधिकतर लोग अच्छा ही काम करते, लेकिन काम मिलना चाहिए। यहां पर जो एक स्थिति उत्पन्न हो रही है, यह काम उत्पन्न करने में ही दिक्कत आ रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमें इससे डर लगता है किंतु यह सबसे आसान है, डर लग रहा है कार्य करने में लेकिन वो आसान काम है, कठिन कार्यों में डर लगना चाहिए लेकिन कार्य तो आसान है, ठीक। ये चीजें समझ गए, ये सारे उदाहरण अपने आप में विरोधाभास की स्थिति को दर्शाते हैं, इसीलिए ये विरोध सूचक आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले विभेद की ओर, अगला विभेद आपसे क्या कह रहा है, परिमाण सूचक, यथा नाम में जथा गुणे होगा भैया, परिमाण का अर्थ क्या होगा, यानी जहां से मापतोल या ऐसी चीजों के बारे में आपको कोई पता चले। जैसे ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्य का परिमाण, ठीक है, बोध कराते हैं, ऐसे शब्द परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा, ठीक। यहां परिणाम लिख गया है तो यह परिमाण होगा, हमेशा ध्यान रखना, परिमाण सूचक होगा। अब इसके उदाहरणों से आप समझोगे कि कैसे कैसे परिमाण कैसे पता चलता है, परिणाम और परिमाण में बहुत फर्क है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे अगर शब्द कहीं पर मिल गया इस कारण, अतः, अतेव, फलता, अब आप सभी समझ गए कि जहां हमें ये सारी चीजें मिलती है वहां पर कोई ना कोई परिणाम स्वरूप, इसमें जैसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है, ठीक, उसने सबसे हटकर काम किया, परिणाम स्वरूप उसे पहचान मिली। अब यहां पर कोई ना कोई क्या मिल रही, हमें अंत में एक निष्कर्ष के तौर पर मिल रहा, कोई परिमाण मिल रहा, ये चीजें है। आगे बढ़ते हैं, मैं बच्चा हूं अतः वहां नहीं जा सकता,
ये जो आपके उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण क्या हैं? परिणाम का बोध कराते हैं, ये परिणाम सूचक समानाधिकरण होंगे, ठीक है? इसमें परिणाम सूचक ही होगा, लिखा है परिमाण सूचक, सही कर लीजिएगा इसको। ये जो है, अच्छा परिणाम सूचक ही है, परिणाम सूचक ही है विभेद, तो उसमें नहीं है, मैं परिमाण बोल गया था, परिणाम सूचक है, परिमाण आपका विशेषण में आता है, ठीक। तो यहां पर याद रखना है क्रिया विशेषण में भी चीजें हुई थी। आगे बात करते हैं, इसमें अगला जो है आपका छठा है वियोजक। हां, इसकी स्थिति को समझ लो, क्योंकि वियोजक और विभाजक में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से लोगों आप कहीं कहीं चार पाओगे, कहीं कहीं पांच पाओगे, कहीं कहीं छह पाओगे, इन तीनों को याद रखना है। तो वियोजक में देखो भैया, वियोजक जो आपका होता है, मतलब इसमें मैंने पहले ही आपको डिफिनेशन में बताया था कि जिनसे अपने द्वारा जुड़ने या एक का त्याग करने का आभास हो, या तो जुड़ने और या तो त्याग करने का आभास मिल गया, उसे वियोजक कहा जाता है। जैसे या, ना, अथवा, ऐसे शब्द जहां आपको मिलने लगे वहां समझ जाओ कि इसमें वियोजक की स्थिति अस्पष्ट हो रही। जैसे श्याम अथवा राम में से ही कोई यहां आया था, ठीक, उन्हीं में से कोई एक आया था। दूसरा कह रहा, ना तो तुमने ना ही तुम्हारे दोस्त ने वहां जाने की हिम्मत दिखाई, यानी यहां ना शब्द भी प्रयुक्त होता है। ऐसे जहां पर मिलेंगे वो वियोजक को दर्शाएंगे, अर्थ स्पष्ट कर लेना, वियोजक विभाजक दोनों एक साथ भी नहीं देगा ऑप्शन में, ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो दूसरा इसका प्रकार होता है, हमने समानाधिकरण के छह भाग को पढ़ लिया है, ढंग से पढ़ लिया है, समझ भी आ गया होगा। दूसरा अब यहां पढ़िए व्यधिकरण क्या होता है। जो लोग नोट्स सीधा बना रहे, मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार आप लेक्चर देखो, दोबारा जब आप लेक्चर देखना प्रारंभ करो तब नोट्स बनाओ। यहां दूसरे विभेद को पढ़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसकी परिभाषा अगर देखा जाए, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते, प्रधान और आश्रित उपवाक्य जानते होंगे, आगे मैं जब शब्द के बाद आगे बढ़ूंगा तो वाक्य ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पदबंध पढ़ेंगे, पद और पदबंध के बारे में पढ़ाऊंगा। यहां पर क्या बोला कि किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते। जैसे इसमें कैसे कैसे शब्द मिलेंगे, कहीं पर इसलिए मिल गया, कहीं पर यद्यपि मिल गया, तथापि मिल गया, ऐसे शब्द मिल जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर व्यधिकरण जो है समुच्चय बोधक अव्यय का वह उदाहरण होगा। अब इनके वाक्यों में पढ़ लेते हैं और विभेद पढ़ लेते हैं। भैया इसके विभेद चार मिलेंगे आपको, ठीक है, चार ही होते हैं, जो व्यधिकरण आपका होता है इसके चार विभेद होते हैं व्यधिकरण में, ठीक। पहला होता है कारण सूचक, दूसरा होता है संकेत सूचक, तीसरा होता है उद्देश्य सूचक, चौथा होता है स्वरूप सूचक। ये चार इसके विभेद पाए जाते हैं। अब एक एक विभेदों को वाक्यों में प्रयुक्त होकर देख लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्या कह रहा है, कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है, इन शब्दों से दो जुड़े हुए वाक्यों में हो रहे काम के कारण का पता चलता है। दो वाक्यांश आपके जुड़ रहे, ठीक, प्रधान और आश्रित वाक्यों में मेल हो रहा, तो जहां पर वाक्यों में काम के कारण का पता चलेगा वहां पर हम क्या होगा, कारण सूचक व्यधिकरण जो है समुच्चय बोधक अव्यय होगा। समझ गए? जैसे उदाहरणों में देखो, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य का क्या करेगा, समर्थन करेगा, यौम हमें कारण का बोध होता, उसे कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। कैसे शब्द मिलेंगे, क्योंकि मिलेगा, जो कि मिलेगा, इसलिए कि मिलेगा, इस कारण मिलेगा, इसलिए मिल सकता, चूंकि, ताकि, कि, ये सारे शब्द जहां मिलेंगे ये सभी क्या होते हैं, कारण में ही तो प्रयुक्त होते हैं। आपको कोई कारण बताना होगा तब तो बताओगे, मैं लेट हो गया क्योंकि वहां चला गया था, ठीक, मैं भी घर देर से पहुंचूंगा क्योंकि थोड़ा व्यस्त हूं, ये सारी चीजें हैं ना। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। अब क्योंकि शब्द आया, यहां रीजन को दर्शा रहा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे शब्द जहां ऐसे वाक्य प्रयुक्त होंगे वहां विरोधाभास वाले कभी भी आपस में आपको विकल्प नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह बहुत सुशील है इसीलिए मुझे पसंद है, ठीक, सुशील का मतलब भोला। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, तुम लेट जाओ ताकि मैं उठ सकूं। अब यहां पर भी तो कहीं ना कहीं एक कारण को बता रहा। अगली चीज, ये जितने उदाहरण थे ये सभी उदाहरण में हमें जो वाक्यांश प्रयुक्त हुए आपस में जोड़ने में वाक्यों को,
उनमें क्या हुआ, हमें एक कारण का पता चला, इस वजह से ये किसके उदाहरण होंगे, कारण सूचक शब्दों के उदाहरण होंगे। दूसरा होता है संकेत सूचक। संकेत सूचक वेदकरण समुच्चय बोधक क्या होता है इसको समझ लो। संकेत आप जानते हैं, संकेत सूचक जो वेदकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है, इसमें समझिए, जब किन्हीं दो वाक्यों में से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले, यहां पूर्व वाक्य होना चाहिए, ठीक है, पूर्व वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की क्या मिले, घटना का संकेत मिले, उन वाक्यों में से समुच्चय बोधक शब्द प्रयोग किए जाते, उन्हें संकेत सूचक व्यधिकरण बोलते हैं। जैसे कहीं पर शब्द मिल गया यदि, तो, तथापि, जा, यद्यपि, परंतु, यही शब्द बार बार हर जगह घूम रहे हैं। इनमें यही चीजें मैं बार बार बता रहा हूं कि जहां पर विकल्प आपको ऐसे आएंगे, वहां दो एक साथ विकल्प ऐसे नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ समझ लो क्या है अर्थ, ठीक, इसके अर्थ को अगर समझें तो उदाहरणों को समझ लीजिए। जैसे पहला उदाहरण है, जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो, जिंदगी में सफल लेना होना है तो मेहनत करो। अब यहां तो शब्द मिल गया। दूसरा समझो, अगर मुझे वह नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब यहां पर भी तो शब्द का प्रयोग हुआ। इन दोनों उदाहरणों में जो आप देख रहे हैं, यहां कुछ शब्द, पहला जो आपका वाक्यांश है वो दूसरे वाक्यांश में क्या है, निर्भर तो मिल रहा। पहला जो मिल रहा, जैसे अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा, अब दूसरा इसी पर तो निर्भर है। यहां निर्भर होने की जहां बातें आएंगी, वहां समझ जाना कि इसमें किसका बोध हो रहा, इसमें संकेत सूचक का बोध हो रहा है। एक कार्य आप कर रहे हो, दूसरे का तो बता रहे हो, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इसमें संकेत ही तो हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है उद्देश्य वाचक वेदिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य प्रकट करते, वह शब्द उद्देश्य वाचक वेदिकरण कहलाते। जैसे ताकि, की, जो, इसलिए की, जिससे, ये शब्द जो होते हैं, ये सभी आपके क्या होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे स्पष्ट परिमाण देते हैं, परिणाम देते हैं। जैसे तुम यहां से चले जाओ ताकि वह आ सके। अब इनमें देखो, पहला वाक्यांश देखो, दूसरा वाक्यांश देखो। दूसरा इसमें कह रहा है, तुम मेरी सहायता करो जिससे मुझे तुम अच्छे लगो, ठीक। अब यहां क्या है, एक उद्देश्य तो है। पहले वाक्य में बोल रहा तुम यहां से चले जाओ ताकि वह आ सके, उसके आने का तो उद्देश्य है, लेकिन पहले तुम्हें जाना होगा। तो ये क्या है, एक घटना इसलिए हो रही ताकि दूसरी घटना पूरी हो सके, उद्देश्य जो हमारा है वह उद्देश्य पूरा हो सके। तो वहां पर ऐसे वाक्यांश को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा, वह शब्द क्या होंगे, वह शब्द उद्देश्य वाचक व्यधिकरण जो है समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण होंगे। अगला है इसका चौथा विभेद। भैया चौथा विभेद होता है स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। स्वरूपवाचक किसी के स्वरूप को दर्शाए, कैसे समझो इसको, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जिनसे स्पष्टीकरण होती है किसकी, यानी जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता, वह शब्द स्वरूप बोधक या स्वरूप वाचक व्यधिकरण के उदाहरण बनते। कैसे, वाक्यांश में प्रयोग। अगर मान लो कैसे शब्द मिल गए, यानी कि अर्थात, मानो, जैसे, यहां पर मुख्य शब्द जो आपका मुख्य वाक्य है उसका अर्थ मिलना चाहिए, ठीक। जैसे उदाहरण यहां पर देखिए, 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे वहां रुकना पड़ा। अर्थ ही तो बताया जा रहा है भैया, कुछ और बताया जा रहा है। तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चांद हो। वाह क्या बात कही है, ठीक है, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांद हो। अब यहां पर जो बताया जा रहा है भैया वो क्या है, ये स्वरूप ही तो कल्पना की गई है, चेहरे के स्वरूप की किससे कल्पना हो गई, किससे जोड़ दिया गया, यही तो अलंकार में आगे पढ़ोगे, ठीक। यहां चांद से जोड़ दिया गया, कंपेरिजन हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसे उदाहरण जहां मिलेंगे वो सभी उदाहरण आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी स्वरूप बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। तो आज सिर्फ एक पार्ट ये कंप्लीट करते हैं, इसके बाद कल आपका होगा जिसमें संबंध बोधक हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल तो आपकी ग्रामीण विकास की क्लास होगी, ठीक है, इस टाइम। तो नेक्स्ट जब आपका फिर से इसका डे आएगा हिंदी का, तो उसमें हम लोग जो बाकी इसके दो बचे हैं उनको पढ़ेंगे। फिर इनके बाद व्याकरणिक कोटियों को ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि UP SSC के किसी भी सिलेबस में व्याकरणिक कोटियां अलग से लिखी होती हैं, जो 9-10 हैं, तो उनको मैं कवर कराऊंगा।
उसके बाद शब्द आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शब्द कंप्लीट होने के बाद फिर हम पदबंध को पढ़ेंगे। पद को मैंने बता दिया, पदबंध को मैं बताऊंगा, पदबंध के जो विभेद होते हैं, क्योंकि पदबंध से सवाल यूपी ट्रिपल एससी पूछता है, ठीक है, इसके सिलेबस में भी होता है जो ग्रेजुएट लेवल होता है। और पदबंध के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो है उपवाक्य को पढ़ेंगे, उपवाक्य के बाद फिर हम वाक्य को पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरे के वो बहुत ढंग से पढ़ते जाएंगे, जब वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तो अपठित गद्यांश पर कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि वाक्य जब पूरा होगा तो फिर जो है अलंकार को पढ़ लेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में नहीं, जो है नहीं है, लेकिन जेल वार्डर में हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक, 19 में है सिलेबस में, चूंकि देख लिया जाएगा क्या कैसे रहा, वैसे सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। सारी चीजों को यहां ढंग से पढ़ाएंगे, यूपीएसआई में चूंकि आता है, अलंकार आता है, रसछंद आता है, ये सब, तो इन चीजों को बहुत ढंग से पढ़ने हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी होगी, टीम के साथ बने रहो, जो कुछ नहीं समझ में आता है वो सारी चीजें आप, पूरा मेरा प्रयास होता है कि अगले लेक्चर में या फिर उसी लेक्चर में जैसा मौका मिलता है मैं सारी चीजों को समाहित कर देता हूं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मस्त होकर पढ़ें। धन्यवाद।